कहते हैं कि कुछ करने का जज्बा हो तो हर राह आसान हो जाती है, बस इरादों में दम होना चाहिए, फिर आपकी कमजोरी भी आपकी ताकत बन जाती है। आपके हौसलों के आगे हर मुश्किल राह आसान हो जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है विदिशा जिले के सिरोंज में रहने वाली 16 वर्षीय स्तुति अग्रवाल ने। स्तुति अग्रवाल ने न सिर्फ 3 महीने में उर्दू सीखी बल्कि आज उर्दू अदब के लिए वो दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान। स्तुति ने अपने शहर के मशहूर शायर डॉक्टर सैफी सिरोंजी द्वारा लिखी गई पुस्तक यहाँ तो सच्चा किस्सा है पढ़ी, तो उन्हें उर्दू साहित्य को पढ़ने का भी शौक लग गया। हालांकि पहले उन्हें उर्दू भाषा का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने उर्दू सीखने के लिए अपनी सहेली की मदद और सच्ची लगन और मेहनत के चलते स्तुति ने महज 3 महीनों में उर्दू को सीख लिया। इसके बाद उन्होंने उर्दू अखबारों को अपनी रचनाएं भेजनी शुरू कर दी। स्तुति के जज्बे और शानदार लेखन से अभिभूत होकर संपादकों ने अपने अखबारों में स्तुति की रचनाओं को प्रमुखता से प्रकाशित किया और बहुत ही कम समय में स्तुति ने उर्दू अदब की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। स्तुति अग्रवाल को आखिर उर्दू सीखने और पढ़ने का जज्बा कैसे लगा और किसी तरह उन्होंने उर्दू सीखी, इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारे सिरोन सहयोगी मोहम्मद फरहान ने स्तुति अग्रवाल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि न सिर्फ उनकी उर्दू में अच्छी पकड़ है बल्कि उन्हें देश भर के प्रमुख शायरों के शेर उन्हें मुंह ज़बानी याद। जोश, जज्बा और जुनून जब किसी पे हावी हो जाता है तो उसको मंजिलें पहुंचना आसान हो जाता है। इस समय हमारे साथ जो बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है उसकी उम्र तो बहुत कम है लेकिन कारनामा बहुत बड़ा है। शौक ऐसा हावी हुआ कि नेशनल इंटरनेशनल पत्रिकाओं में आज कम उम्र के बावजूद ये बालिका के मजामीन और लेख लगातार छप रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय स्तुति अग्रवाल मौजूद हैं। आइए जानते हैं उन्होंने इस सफ़र को कैसे शुरू किया और किस तरह वो अपने काम को अंजाम दे रही हैं और कहां तक उनका पहुंचने का लक्ष्य है। स्तुति, आपका खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है। सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। सभी नाज़रीन दर्शकों को मेरा आदाब। मेरा पूरा नाम स्तुति अग्रवाल है। मैं मध्य प्रदेश के कस्बे जो ज़िला विदिशा में है सिरों से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद मोहतरम का नाम अनिल अग्रवाल है जो सद्भावना मंच के अध्यक्ष और मशहूर पत्रिका जो 38 बरसों से बिना किसी नागे के छप रही है उसके सरपरस्त हैं। मेरे अदबी उस्ताद का नाम डॉक्टर सैफी सिरोंजी है जो 75 किताबों के मुसन्निफ और लेखक हैं। मेरी उम्र अभी 16 साल है। हाल ही में मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने पिछले 3 सालों से ही उर्दू पढ़ना शुरू की है। स्तुति, जानना चाहेंगे कि उर्दू अदब में आप किस तरह आई, कि क्या वजह बनी जो आपने उर्दू लैंग्वेज को चुना? दरअसल फरहान भाई, बात यह है, ये सवाल मुझसे कई लोग कर चुके हैं मेरे कई इंटरव्यूज़ में। असल बात यह होती है कि जिस माहौल में एक बच्चे की तरबियत की जाती है, जो उसे विरासत में मिलता है, कहीं ना कहीं उसके असरात नुमाया होते ही हैं। यही कुछ मेरे साथ भी हुआ। 5 साल की उम्र में मैंने, जो हमारे इंतसाब पब्लिकेशंस के ज़ेरे अहतमाम ही एक मुशायरे का आयोजन किया गया था जो एक बहुत बड़ा और ऑल इंडिया मुशायरा था, मैंने उसमें मध्य प्रदेश गीत पढ़ा था, यानी 5 साल की उम्र में। इसके बाद 8 साल की उम्र में मुझे सैकड़ों शेर याद हो गए थे बहुत मशहूर मशहूर शायरों के, जिनमें राहत इंदौरी, मंजर भोपाली, मुनव्वर राना वगैरह के नाम मैं ख़ास तौर से लेती हूँ। बाकी मुझे सैफी सिरोंजी साहब से बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर रही हूँ, क्योंकि मेरे वो वालिद साहब के ख़ास दोस्तों में भी हैं और अजीज़ों में भी, अगर कहें तो गलत ना होगा। तो मैंने बचपन से सैफी साहब को देखा है और मेरी उर्दू पढ़ने की शुरुआत असल में इस किताब से हुई है जिसका नाम ये तो सच्चा किस्सा है और ये सैफी सिरोंजी की मशहूर आत्मकथा है, जिस पर अब तक हिंदो पाक के 100 से भी ज़्यादा लेखक अपने तासुरात, अपनी राय लिख चुके हैं। इसके बाद 13 साल की उम्र में मेरा एडमिशन कॉन्वेंट, निर्मला कॉन्वेंट में हुआ, जो अपने सिरोंज का सबसे ज़्यादा मशहूर स्कूल है। वहीं मेरी दोस्ती आमिना फ़ारूक से हुई।
वहाँ मेरे वाले साहब ने मुझे मशवरा दिया कि क्यों ना तुम आमिना से उर्दू लिखना पढ़ना सीख लो। मैंने तकरीबन 1.5 महीने आमिना से उर्दू लिखना सीखा और 1 महीने तक ही मैंने उससे अलिफ़ बे पे ते लिखना सीखा। बाकी मैंने इसके बाद सैफी सरोंजी साहब से तकरीबन 3 महीने में बाकायदा तौर पर मुझे उर्दू लिखना पढ़ना आने लगा। इसके बाद 6 महीने के अंदर मेरे लेख, मेरे आर्टिकल्स और मेरी कविताएँ, कहानियाँ दुनिया भर के, यानी मैं सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान, कैनेडा, तकरीबन तमाम रिसालों में छप गई। चूँकि सैफी सरोंजी साहब ने मुझे अपनी पत्रिका का यानी चीफ एडिटर भी बना दिया है अभी हालिया दिनों में, मैं आलमी ज़बान और इंतसाब आलमी की चीफ एडिटर भी हूँ, तो उस हिसाब से भी मुझे अदबी हलका काफ़ी मुतवज्जो हुआ मेरी तरफ। आपको उर्दू पढ़ने के लिए या उसके उस क्षेत्र में आने के लिए, अदबी क्षेत्र में आने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है फरहान भाई। प्रेरणा तो मैं यही कहूँगी कि मेरे मुझे पापा ने ही सब कुछ सिखाया है। हाँ, बाकायदा तौर पर तरबियत उन्होंने की है, यानी मेरी माँ ने मुझे नहीं पढ़ाया बचपन में, मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया है। मेरे पापा ने मुझे घंटों वक्त देकर, यानी शुरुआती दिनों में जब मैंने लिखना पढ़ना सीखा, यानी 3 साल की 4 साल की उम्र में जिस तरह बच्चे की बाकायदा तरबियत की जाती है, मेरे पापा ने ही की है। तो सब कुछ मैंने पापा से सीखा, लेकिन मेरे पापा को भी प्रेरणा सैफी साहब से मिली है। तो बुनियाद तो हमारी सैफी साहब ही हैं, तो उसका क्रेडिट मेरे पापा और सैफी साहब दोनों को जाता है। चूँकि अगर सैफी साहब नहीं होते तो वालिद साहब भी इस फील्ड में नहीं आते, तो मैं दोनों को ही इसका श्रेय देती हूँ। स्तुति, आप अदबी महफिलों में जाती होंगी, बड़े बड़े शायरों से भी निश्चित तौर पे आप मुलाकात करती होंगी, कैसा लगता है एक बड़े शायरों से मिल करके, और क्या आपके एक्सपीरियंस रहा है, कैसा किन जो रोचक लम्हे हैं उनको शेयर करें? ये सवाल मुझे बहुत बहुत अच्छा इसलिए भी लगा क्योंकि क्या है, मेरे जानी कांटेक्ट में मेरे जितने भी, मुझे ऐसा, मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, दुनियाए अदब के तमाम बड़े शायर अदीब मेरे इस वक्त कांटेक्ट में हैं। आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान वगैरह में भी आजकल तो इंटरनेट के ज़रिए हम इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। तकरीबन तमाम लोग कांटेक्ट में हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि लोग मुझे अधेड़ उम्र समझते हैं। जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उन्हें लगता है कि मैं 50+ हूँ। कई लोगों ने इस बात पे अपनी हैरत का भी इजहार किया, क्योंकि अभी तक अदबी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं हुई जो 16 साल की उम्र में इस तरह काम कर सके। वैसे तो रही है, मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैंने कोई रिकॉर्ड बनाया है। हम रोज़ाना अखबारात में पढ़ते हैं कि 7 साल के बच्चे ने ये कर लिया, 7 साल के बच्चे ने किताब लिख डाली, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने। लेकिन शायरों अदीबों के साथ तो बड़े रोचक लम्हात रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही रही है कि वो मेरी उम्र पर बड़ा हैरत करते हैं। तमाम बड़े अदीबों में भी, जैसे प्रोफेसर गोपीचंद नारंग है, प्रोफेसर अख्तरुल वासे हैं, इन्होंने भी बड़ा बड़ा मतलब ऐसा बताया कि आप बहुत दुआएं दी मुझे, और मैं बड़ा खुश हूँ लेकिन उर्दू अदब में आकर मुझे जो भी मिल रहा है, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड भी हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। स्तुति, आप अपने जो फ्रेंड सर्किल है, जो नौजवान तबका है, उनको आप क्या संदेश देंगी? देखिए फरहान भाई, यूँ तो मैं अभी एक तालिब इल्म हूँ, अभी इस काबिल नहीं हूँ कि कोई संदेश किसी को दे सकूँ। लेकिन चूँकि क्या है, आजकल हम सोशल मीडिया के एक ऐसे मकर जाल में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा नज़र आता है। चूँकि मैं भी अभी एक टीनेजर ही हूँ, इसलिए मैं भी इन चीज़ों से दो चार हो रही हूँ, मुझे भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिससे काफ़ी वक्त भी ज़ाया हो रहा है। तो सबसे पहले तो मेरा यही मशवरा है कि सोशल मीडिया को उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है। दूसरा के मेहनत, कड़ी मेहनत के सिवा तरक्की का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। सैफी सरोंजी साहब का एक शेर है, मेहनत किसी की रायगा जाती नहीं कभी, सैफी तुम्हारे सामने जिंदा मिसाल है। हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे कोई मिसाल कायम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हमें हमारे वालिदैन की इज़्ज़त करना, हमारे पेरेंट्स की इज़्ज़त करना सबसे पहले सीखना होगा।
और तीसरी चीज़ ये जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उनकी बात और पेरेंट्स की बात को हमें बगैर सोचे समझे मानना होगा। ये तीन चीज़ें तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बाकी हम लोग अगर कुछ अपना वक्त बुज़ुर्गों के साथ भी बिताएं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्तुति, उर्दू के अलावा आपने और भी भाषाएं सीखी हैं, कौन कौन सी भाषाएं और आपको आती हैं? चूँकि उर्दू हिंदी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, उर्दू हिंदी कहें तो उनमें चोली दामन का साथ है, दोनों बहनें ही हैं। आज हम देख रहे हैं बगैर उर्दू के ना कोई फिल्म बन सकती है ना कोई गाना बन सकता है, वो तो उर्दू हिंदी को ना जाने क्यों डिवाइड कर दिया गया, इस तरह बाँट दिया गया है। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश के अलावा मुझे संस्कृत भी आती है, क्योंकि 8th class तक मैंने संस्कृत ही पढ़ी। मैंने 9th standard में ही अभी उर्दू ली है। इसके अलावा मैंने अरबी और फारसी सीखने का भी पूरा प्लान कर रखा है। उम्मीद है मैं आने वाले कुछ गुज़िश्ता दिनों से ही वो भी सीखना शुरू कर दूँगी। तो ये थी स्तुति अग्रवाल जो अपने बारे में बता रही थी। बहुत कम उम्र में इन्होंने उर्दू सीख ली, और सीखी ही नहीं बल्कि पत्र पत्रिकाओं में और जो भी उर्दू के प्लेटफॉर्म हैं उनमें इनकी उपस्थिति रहती है। फ़िलहाल खबर मध्य प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश। सिरोन से मोहम्मद फरहान। तो देखा आपने स्तुति अग्रवाल की उर्दू भाषा पर कितनी पकड़ है। इतना ही नहीं, स्तुति को अंग्रेज़ी, संस्कृत और अब फारसी भाषा को सीखने की तैयारी में जुट गई है। सिरोंज से मोहम्मद फरहान की रिपोर्ट।